नमस्कार, मैं अमन यादव और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। कहते हैं यूपी पुलिस मुर्दों से सच उगलवा लेती है, कब्र से लाश निकलवा कर गवाही दिलवा देती है। और अब ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, यूपी पुलिस का ये कारनामा है तो हैरत अंगेज, लेकिन इस खबर को सुनकर आप ये कह देंगे कि सबूत पाने के लिए और दोषियों को सजा देने के लिए यूपी पुलिस का ये काम सही हो सकता है। अब सोचिए कि जलती चिता में से किसी की लाश निकाल ली जाए तो सुनने में भी अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। जी हाँ, यूपी के सहारनपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। पुलिस ने एक जलती चिता से महिला का शव बाहर निकलवा लिया। आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने पहले तो उसे जहर देकर मार दिया और फिर चुपके से उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। पुलिस को जैसे इस मामले की भनक लगी, वह तुरंत शमशान घाट पहुंच गई और धधकती हुई चिता से महिला के शव को बाहर निकलवा लिया। महिला के परिवार ने आरोप लगाया था कि ससुराल वालों ने जहर देकर उसकी हत्या की है और चुपके से उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे जिससे उनका राज न खुल सके। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने 3 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। दिल दहला देने वाली ये घटना कुतेशबेर इलाके की है। मल्हारपुर के रहने वाले अमर सिंह ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्होंने 14 साल पहले अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी नाथी नाम के शख्स से की थी। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि बेटी के ससुराल के लोगों ने उसे सोमवार को जहर देकर मार दिया। पिता ने कहा है कि उन्होंने किसी को भी इस बात की खबर नहीं दी कि और चुपके से उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे। वहीं खबर के मुताबिक पुलिस इंस्पेक्टर कुतेश्वर अपनी एक टीम के साथ तुरंत शमशान पहुंचे और जलती चिता से शव को बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं अमर सिंह के शिकायत के बाद पुलिस ने बेटी के पति, सास और पति के भाई के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सभी को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने बताया है कि महिला की शादी 14 साल पहले हुई थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। उसका एक बच्चा 14 साल का है तो वहीं दूसरा 8 साल का है। पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और उसका नतीजा अब आपके सामने है। अब आपकी क्या राय इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज़।